हेलो गाइस, आज बनाएंगे दाल का पराठा। ये उड़द की दाल है, उसको मैंने धो लिया है। उसको 4-5 घंटे पानी में भिगो के रखा और ये फूल चुकी है। दाल को मिक्सी में पीसेंगे। दाल को मैंने मिक्सी में डाल दिया है। दाल को मोटा मोटा पीस लेंगे मिक्सी में। चलिए पीस लेते हैं दाल को। दाल को मैंने पीस लिया है, इस तरह पीसा है। तो दाल भी दिखाई दे रही है इसमें, आप देख सकते हैं। और पानी नहीं डाला मैंने दाल में, ऐसे ही इसको पीसा है। दाल को मैंने निकाल लिया है एक बर्तन में। अब इसमें डालेंगे आटा, ये रोटी बनाने वाला आटा है। और इसमें डालेंगे नमक। थोड़ी सी अजवाइन। जीरा। और कुटी लाल मिर्ची। पानी डाल के थोड़ा थोड़ा अब इसका आटा लगाएंगे। चलिए आटा लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और इसका एक आटा लगा लेंगे। परांठे के लिए आटा हमने लगा दिया है। चलिए इसका आप पराठा बनाएंगे। सबसे पहले इसकी लोई बनाएंगे। इस तरह हम इसकी लोई बना लेंगे। आटे की लोई के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने सूखा आटा लगा लिया है, अब इसको बेल लेंगे। आप इस पराठे को अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और बच्चों को पता भी नहीं पड़ा गया कि ये दाल का पराठा है। अब इस पर लगाएंगे घी। ये मैं तिकोना पराठा बना रही हूँ। आप कोई भी पराठा बना सकते हैं, तिकोना, गोल। अब इस पर सूखा आटा लगाएंगे। और इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। पराठा बहुत टेस्टी बनेगा। आप इसे चाय के साथ खाएं, दही के साथ खाएं। पराठा बेल गया है, अब इसको सेकेंगे। तवा को गर्म कर लिया है, अब इस पर डाल देंगे पराठा। पराठे को मीडियम गैस पर सेकेंगे। पराठे को पलट लेंगे। पराठे के ऊपर घी लगाएंगे दोनों साइड। बिना झंझट के पराठा बनके तैयार होगा ये। रेसिपी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। घर के सामानों से पराठा बनके तैयार हो रहा है।
पराठा दोनों तरफ से सिक गया है। अब इसको निकाल लेंगे पराठे को और दूसरा पराठा डाल देंगे। इस तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। गर्मा गर्म दाल के पराठे बनके रेडी है। आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए और एक बार मेरी तरह पराठे बना के खाइए, बहुत टेस्टी बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पराठा बने हैं।